Good morning, dear friends, and greetings in Jesus' name, and may the Lord's blessing be upon you this morning. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सब का अभिवादन करता हूँ. होने दे उस परमेश्वर का आशीष आज की सुबह आप सब पर हो. I would like to meditate something in continuation of what we have meditated on Tuesday. और मैं अब आज के दिन के मनन के लिए अपने उसी मनन को जो हमने मंगलवार की सुबह किया था उस क्षमा करिएगा बृहस्पति की सुबह किया था उस मनन को जारी रखूंगा. थ्री ग्रेट नेसेसिटी कि वो तीन महान आवश्यकताएं. नाउ लास्ट मेडिटेशन व्हाट वी मेडिटेटेड वाज द नेसेसिटी लेड अपॉन द सेवियर. और हमारे पिछले मनन में हमने पहली महान आवश्यकता थी जिसके विषय में हमने अध्ययन किया वो था वो आवश्यकता जो उस उद्धारकर्ता के ऊपर दी गई. That is to suffer and rise from the dead. और वो था कि वो दुख उठाए और फिर से मरे हुए में से जी उठे. And the second necessity is, और वो जो दूसरी महान आवश्यकता है the necessity laid upon the sinner. कि वो आवश्यकता जो एक पापी के ऊपर सौंपी गई है. What is it? वो क्या है? Repentance. वो मन फिराए. Amen. Amen. Because it is through repentance that one enters into the kingdom of God. क्योंकि ये मन फिराने के द्वारा ही है कि एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है. How did Christ began his ministry? कैसे प्रभु यीशु ने अपनी सेवा की शुरुआत करी? Christ began his mission by preaching repentance. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा कार्य का शुरुआत किया उस सुसमाचार राज्य के सुसमाचार के द्वारा. How did he end his mission? और कैसे उसने अपने सेवा कार्य को समाप्त किया? He ended by commissioning his disciples to preach and call men to repentance. और उसने अपने सेवा कार्य की समाप्ति करी अपने चेलों को नियुक्त करते हुए उन शिक्षाओं को देने के लिए और सबको मन फिराने की ओर बुलाने के लिए. और ये मन फिराना है क्या? चेंज ऑफ योर माइंड. ये है आपके मन परिवर्तन के विषय में. अबाउट गॉड और परमेश्वर के प्रति आपका मन बदलता है. अबाउट सिन पाप के विरुद्ध आपका मन बदलता है. अबाउट देमसेल्व्स और अपने विरुद्ध भी आपका मन बदलता है. दे कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू गॉड विदाउट दिस. और इस मन फिराने के बिना आप परमेश्वर के संग मेल मिलाप नहीं कर सकते. द ग्रेटेस्ट नीड इज फॉर अस टू बी रिकंसाइल्ड एंड रिटर्न टू गॉड एंड एंटर इनटू अ दैट रिलेशनशिप विद गॉड. और एक सबसे बड़ी महान आवश्यकता ये भी है कि हम परमेश्वर के प्रति मन फिराएं और परमेश्वर के संग मेल मिलाप करके उसकी ओर लौट जाएं. The door into which you enter into this relationship is through the door of repentance. और इस रिश्ते में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसका फाटक उसका दरवाजा है मन फिराना. Zacchaeus, for example. और उदाहरण के तौर पर उस Zacchaeus. I want you to read Zacchaeus, about Zacchaeus. Conversion in Luke chapter 19 verses 1-10. और मैं चाहता हूं कि आप Zacchaeus के मन परिवर्तन के विषय में पढ़िए जो कि लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय पहले वचन से लेकर 10वें वचन तक में लिखा गया है. And notice how he changed himself through his inner repentance. और देखिए किस प्रकार से उसने अपने भीतरी मन परिवर्तन या मन फिराने से खुद को बदल लिया. After listening to Zacchaeus's confession. और Zacchaeus के मन परिवर्तन या उस अंगीकार को सुनने के पश्चात. What was Jesus' response? यीशु का क्या उत्तर था? He said, उसने कहा, Salvation has come to this house. कि उद्धार इस घराने तक पहुंचा है. Hallelujah. Hallelujah. This house means Zacchaeus and all his people in his household. और इस उद्धार का मतलब है घराने का मतलब है Zacchaeus और उसका पूरा घराना और परिवार के लोग. So my friends, और इसलिए मेरे मित्रों, the necessity laid on the sinner is repent. और इसलिए वो महान आवश्यकता जो एक पापी को सौंपी गई है वो है मन फिराना. And thirdly, तीसरी बात, remember our title is three great
necessities. और याद रखिए हमारा मनन का शीर्षक है तीन महान आवश्यकताएं. And the third one is, और तीसरी महान आवश्यकता है necessity laid upon the servant. वो महान आवश्यकता जो एक दास के ऊपर सौंपी गई है. Who is the servant? और वो दास कौन है? The servant of the Lord Jesus Christ. और वो दास जो प्रभु यीशु मसीह का दास है. Everyone who come into a relationship with God through repentance. और हर एक वो जन जो प्रभु यीशु मसीह के संग एक रिश्ते में आता है मन फिराने के द्वारा. He is accepted by God the Father through adoption. और वो परमेश्वर पिता के द्वारा एक पुत्र के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है. But he also becomes a servant. लेकिन साथ ही साथ वो परमेश्वर का एक दास भी बन जाता है. To serve him. ताकि वो उसकी सेवा करे. So the necessity laid upon the servant, what is it? Witness. और इसलिए एक दास के ऊपर जो महान आवश्यकता दी गई है वो है क्या है? वो है गवाह ठहरना. Bear witness to the lordship of Jesus Christ. कि वो प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के लिए गवाह ठहरने पाए. Acts chapter 1 verse 8. और प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय 8वें वचन में. The reason why Jesus was sending the Holy Spirit upon the disciples. और वो कारण कि क्यों यीशु मसीह पवित्र आत्मा को चेलों के ऊपर भेज रहा था. And upon everyone who comes to God through repentance. और हर एक उस जन के ऊपर जो मन फिराने के द्वारा परमेश्वर के निकट आ जाता. Acts 1:8 says. और प्रेरितों का कार्य पहला अध्याय 8वें वचन में लिखा है. You who are my disciples will receive power when the Holy Ghost shall come upon you, and you will be my witnesses. कि तुम जो मेरे चेले हो, वो उनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा, और तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, और तुम मेरे गवाह ठहरोगे. Where? कहाँ पर? Starting from your hometown. अपने घरों से, अपने जो तुम्हारे गांव हैं, उनसे शुरू करके. In Jerusalem. यरूशलेम नगर में. And in Judea. और यहूदा नगर में. And then in Samaria. और उसके पश्चात समारिया में. And then to the uttermost part of the earth. और उसके पश्चात संसार के कोनों तक मेरे गवाह ठहरोगे. And then in Romans chapter 10 verse 14. और रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 14वें वचन में लिखा है. We are told you. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसके नाम कैसे लें, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने? And declaring the gospel include declaring the suffering of Christ. और सुसमाचार की घोषणा करने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के दुखों का घोषणा करना. And one of the ways we continue to declare the suffering of Christ is. और एक और तरीका जिसके द्वारा हम निरंतर प्रभु यीशु मसीह की घोषणा करते हैं. By coming together around the table of the Lord. और वो है प्रभु मेज के में एक साथ सहभागिता करने के द्वारा. Jesus wanted the cross and his death and resurrection to be fresh in the minds of his followers. और यीशु मसीह ये चाहता था कि उसका क्रूस और उसका लहू उन विश्वासियों के मन में हमेशा याद किया जाए. Hallelujah. Hallelujah. And the Lord's Supper. और परमेश्वर का प्रभु मेज. Is a declaration. वो इस बात की घोषणा है. A declaration of how Jesus suffered for our salvation. और इस बात की घोषणा की कैसे यीशु ने हमारे उद्धार के लिए दुख उठाए. It also is a declaration of his resurrection. और वो इस बात की भी घोषणा है कि कैसे वो फिर से मरे हुओं में से जी उठा. It is also a declaration of his coming again. और वो इस बात की भी घोषणा है कि कैसे वो दोबारा आ रहा है. And our union with Christ at the end. और हमारा यीशु के संग अंत में वो मुलाकात. To live with him forever and ever and ever and reign with him. कि हम अनंत तक युगानुयुग उसके संग जिएंगे, रहेंगे और राज्य करेंगे. Dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, what a privilege it is, कितना बड़ा सौभाग्य to know Jesus, कि यीशु को जाने and to be united with Jesus, और यीशु के संग मन फिराने के द्वारा एक हो जाएं, and then to be a servant of the living God, और उस जीवते परमेश्वर के दास बन जाएं. Hallelujah. Hallelujah. To be a servant of the Lord is the greatest honor and the most glorious job
one can have in this world. और एक परमेश्वर का दास होना एक सबसे महिमामय कार्य और एक सबसे सौभाग्य का कार्य है जो किसी भी एक को इस संसार में प्राप्त हो सकता है. You are a servant of God. और इसलिए आप परमेश्वर के दास हैं. The necessity on you is to obey Him. और इसलिए आवश्यकता आपके ऊपर है कि आप उसके प्रति आज्ञाकारी बने. Bear witness for Him. और उसके गवाह ठहरें. Glory to God. परमेश्वर को महिमा. This is your privilege. और ये आपका सौभाग्य है. It is my privilege. ये मेरा सौभाग्य है. And let us not lose this privilege and be lost all the rewards we may have. और होने दे हम इस सौभाग्य को ना खोएं ताकि हम उन तोहफों या पुरस्कारों को खो दें जो स्वर्ग में हमारे लिए हैं. Holy Spirit, हमारा धन्य पवित्र आत्मा. To everyone who trusts in you, हर एक वो जो तुझ पर भरोसा रखता है. You have laid a responsibility, तूने एक जिम्मेदारी सौंपी है. To bear witness for you, कि वो तेरे लिए गवाह ठहरने पाए. And for this purpose, और इस उद्देश्य के कारण. You have sent the Holy Spirit, तूने पवित्र आत्मा को भेजा है. That he may give us the power to be that witnesses. ताकि वो हमें उस सामर्थ्य दे ताकि हम ऐसे गवाह ठहरने पाए. All honor and glory yours. सारा आदर और महिमा आप ही को मिले. And may we, as your servants, be faithful to this calling to be your servant as long as we live in this world. और होने दे हम इस बुलाहट के प्रति तेरे दास होने के नाते जब तक जीवित है विश्वास योग्य बने रहें. Amen. Amen. God bless you, my friend. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे. This is God's expectation from you. ये परमेश्वर आपसे आशा लगाए रखे हुए हैं. Faithful witness for Jesus Christ. कि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए एक विश्वास योग्य गवाह ठहरेंगे. At the end of this day, और इस दिन के अंत में, you may have reason to rejoice. आपके पास एक कारण होगा आनंद उठाने का. That you have shared the gospel of Christ with someone today. कि आपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को किसी के संग बांटा. Jesus name. यीशु के नाम. आमेन. आमेन. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे.